अब हम देखते हैं भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो प्री का पेपर है उसमें सेकंड टॉपिक आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल मूवमेंट। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, नंबर 3 आधुनिक भारत। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से, क्योंकि शॉर्ट टर्म कंडीशन है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। प्राचीन भारत में हम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। प्राचीन भारत का यहीं से शुरू करते हैं, प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ना। अब आते हैं भारत का नामकरण। भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत को इंडिया में भारत भी कहा जाता है। इंडिया जैसे इंडस शब्द से बना है, जैसे संस्कृत में सिंधु भी कहा गया है। भारत के लिए भारतवर्ष सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्याय में उपयोग किया गया है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष उपयोग किया गया है। भारतवर्ष जो भारत के लिए कहा जाता है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख थे उसमें था। भारत देश का नामकरण ऋग्वैदिक काल के जन भारत के नाम पर भी ऐसी मानता है कि भारत ऋग्वैदिक काल के जन भारत के नाम पर भी ऐसे तमाम मान्यता है जो भारत के नामकरण से संबंधित है वो है। एक मानता जैन धर्म से है, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव, उनके ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र के नाम भरत पर रखा गया भारत का नाम। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार कुरु वंश के प्रतापी राजा प्रतापी सम्राट दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर किया गया। आर्यों के निवास के कारण इसे आर्यावर्त भी कहा गया है और भारत को जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये तो रहे भारत के बारे में। इसके जो क्षेत्रफल है वो क्या है वो देख लेना आप, ठीक है। अब प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत इसमें 3 टाइप से बांटे गए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को कैसे जाना जाए, पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी विवरण। पुरातात्विक स्रोत इसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी कहा जाता है। अवलेख इसमें पुरातात्विक स्रोत में आते हैं अवलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला। अब हम पहले पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। अवलेख क्या होते हैं, सिक्के क्या होते हैं, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला, इनसे सब कुछ इतिहास की जानकारी जो मिलती है वो पुरातात्विक स्रोत में आती है। और जो इनका अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। अवलेख, अब अवलेख पर ध्यान देते हैं। अवलेख क्या है, पत्थरों, स्तंभों, धातु की पट्टियों या मृत भांडों मतलब मिट्टी के बर्तनों पर बने होते हैं, इन्हें इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। प्राचीन विवरण ही अवलेख हैं जो स्तंभों, पत्थरों, धातु की पट्टियों पर होंगे। इसके जो साइंस में इसे जिसके अंतर्गत इसे पढ़ा जाता है उसे प्रालेख शास्त्र भी कहा जाता है। प्रालेख शास्त्र जिस विषय के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है उसे एपिग्राफी भी कहा जाता है। अब अवलेख प्लस प्राचीन लिपियों के अध्ययन को कहते हैं पुरालिपि शास्त्र। पुरालिपि शास्त्र अलग है, पुरालेख शास्त्र अलग है। अवलेख अवलेखों को प्लस प्राचीन लिपि के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहते हैं। इसमें मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों, ताम्र पत्रों, मूर्तियों, मंदिरों, दीवारों, ईंटों सबकी जानकारी जिससे इतिहास के बारे में पता चलता है वो सब आते हैं अवलेख के अंदर। भाषाएं, अभिलेख पर भाषा कौन कौन सी होती हैं, प्राकृत भाषा, पाली भाषा, संस्कृत व दक्षिण की भाषाएं होती हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर रहती हैं उन पर सबसे पुराने अभिलेख मिलते हैं जो 2500 ईस्वी पूर्व थे और जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। भारत के बाहर देखें अगर तो पश्चिमी एशिया या एशिया माइनर लिखा हुआ है, माइनर कि बोंगज कोई एक जगह है, वहां पर अवलेख मिले हैं 1400 ईस्वी पूर्व में। भारत से बाहर, भारत में तो मिले हैं, बोंगज कोई में जो अवलेख मिले 1400 ईस्वी पूर्व उसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य को अश्विनी कुमार भी एक देवता के नाम पर, देवता है जो हिंदू धर्म में, नामक वैदिक देवताओं के नाम पर मिले हैं। ये जो बाहर मिले हैं भारत के बाहर बोंगज कोई सबसे पहले पश्चिम से। ईरान से भी अवलेख मिले हैं, नक्श ए रुस्तम अवलेख। ये प्राचीन भारत के पश्चिमी एशिया के संबंध में, इसमें प्राचीन भारत और पश्चिमी एशिया के संबंध बताए गए हैं।
जो ईरान से मिले हैं उसमें। ईरान से कसाइर अभिलेख मिला है, सीरिया से मित्तमी अभिलेख मिला है जिसमें आर्य नाम का उल्लेख हुआ है। 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। 1837 में जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने ब्राह्मी लिपि में लिखित मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। खारविल का हाथी गुम्फा अभिलेख, अब कुछ अभिलेख के बारे में इन्होंने जानकारी और कौन कौन से अभिलेख हैं वैसे आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में मिल जाएगा जो 6 से लेकर 8 तक के जो एनसीईआरटी हैं जो पुराने वाली, इस समय की एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा खास दिया नहीं है। खारविल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, सक छत्रप रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है, सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक गुहा लेख है, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख है, यशु वर्मन का मंदसौर अभिलेख है, पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है, प्रतिहास शासक भोज का ग्वालियर अभिलेख है। ये सारे अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ते हैं और भी अभिलेख हैं इसमें, ब्रजसेन का देवपाड़ा अभिलेख, प्राकृत भाषा में सबसे पहला जो अभिलेख था वो यही था देवपाड़ा अभिलेख। संस्कृत भाषा ईसवी की दूसरी सदी से मिला है संस्कृत भाषा में। सक शासक रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख जिसे पीछे चर्चा की थी, 150 ईस्वी संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख था ये। ठीक है, अब आते हैं सिक्कों की बात। सिक्कों को जिसमें पढ़ा जाता है उसे मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। सोना चांदी तांबा कांसा सीसा और पेटिन एक मैं नया वर्ड सुना था उस टाइम, लेकिन पेटिन के भी सिक्के बनते थे। पेटिन प्राचीन जो सिक्के थे उन पर चिन्ह बने हुए थे, लेख नहीं था कुछ भी, और इन्हीं जो चिन्ह बने हुए थे इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था या पंच मार्कड सिक्के। ईसा की 5वीं सदी की बात में है। बाद में तिथि सिक्कों पर छपने लगी, राजा के नाम आने लगे, देवताओं के नाम आने लगे, ये सिक्के थे। आज सिक्कों की जो निधियां मतलब जो संचय थी होर्ड्स पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली हैं जो आज सिक्के थे। हिंद यवन ने सिक्का निर्माण की डाई विधि, जो हिंद यवन था वहां पर सिक्का जो निर्माण की थी डाई विधि का प्रचलन था। हिंद यूनानी ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, हिंद यूनानी थे उन्होंने स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी की थी, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की थी, सातवाहन जो वंश था उसने सीसे की मुद्रा जारी की थी। ये सब प्रातात्विक उसमें पढ़ रहे हैं साहित्य में। अनप्रातात्विक साधन कौन से, महलों में मंदिर से जो अब से मिलते हैं उससे वास्तुकला का पता चलता है क्या विकास हुआ है उस पर प्रकाश पड़ता है, इसके बारे में बताया गया था, इसमें ज्यादा दिया नहीं था। स्मारक को दो पार्ट में बांटा गया है, देशी स्मारक विदेशी स्मारक। हड़प्पा मोहनजोदड़ो नालंदा और हस्तिनापुर देशी स्मारक के प्रमुख तौर पर देखे जाते हैं देशी स्मारक के तौर पर। कंबोडिया का अंकुरबाट, जावा का बोरोबुदुर मंदिर और बाली से प्राप्त मूर्तियां विदेशी स्मारक। वोर्नियो के मकान से प्राप्त प्रतिमाएं और तिथियां कालक्रम स्थापना में विशेष योगदान देती हैं, ये विदेशी स्मारक है कंबोडिया का अंकुरबाट। ठीक है, अब हमें पढ़ना है मूर्तियों के बारे में। अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, मूर्तियां हो गई, भवन हो गए, अब मूर्तियां पा गए। धार्मिक प्रवृत्तियों पर आस्था का लेखा जोखा होते हैं मूर्तियों से पता चलता है किस तरह की जो धार्मिक प्रवृत्तियां थी उस टाइम पे। मूर्तियों में गांधार कला, मथुरा कला की मूर्तिकला की सब प्रमुख शैलियां थी उन पे सारनाथ, भरहुत, बोधगया, अमरावती मूर्ति के केंद्र थे। मृदभांड मिट्टी के बर्तन, कलात्मक प्रगति की जानकारी मिलती है इसमें जो है कलात्मक प्रगति की जानकारी मिट्टी के बर्तन है उससे मिलती है। हड़प्पा काल के लाल मृदभांड थे, उत्तर वैदिक काल के दूसरे मृदभांड थे चित्रित, उत्तर वैदिक काल के चित्रित थे। मौर्य के उत्तरी काले पॉलिश वाले थे। अब चित्रकला से हम इतिहास की क्या जानकारी, ये सब हम प्रातात्विक पार्ट में पढ़ रहे हैं, जो प्रातात्विक पार्ट है
इतिहास की जानकारी के जिन स्रोतों से होते हैं पुरातात्विक स्रोत, जीवन की उत्पत्ति एवं भावुकता को पता चलता है। चित्रकला से हम जीवन की उत्पत्ति, उन्नति और भावुकता का पता लगा लेते हैं। भीम बेटका है मध्य प्रदेश, वहाँ पे चित्रकला मिलती है, पुरातात्विक स्रोत है, गुफा चित्र मिलते हैं। अजंता तथा बाघ के उन्नत गुफा चित्रों से गुप्तकाल के सांस्कृतिक दशा का पता चलता है। अब कई जगह पे ये पूछा जाता है ईसा पूर्व और एडी, बीसी तथा एडी, ईसा मसीह के जन्म से संबंधित हैं ये दोनों वर्ड। बीसी कई जगह लिखा जाता है, तो इसका मतलब है ये एडिशनल है, एडिशनल। कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि ईसा पूर्व क्या है, उसके लिए लिख रखा था मैंने, नोट्स बनाए थे तब। बीसी में बिफोर क्राइस्ट क्राइस्ट और एडी एनो डेमनी लैटिन शब्द है, दो लैटिन शब्दों से बना है एनो डेमनी। कभी कभी इन्हें एडी एडी की जगह सी भी सी ई भी इस्तेमाल होता है, जो एडी है कई किताबों में सी ई इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब कॉमन एरा। बीसी की जगह कहीं कहीं बी सी ई जगह इस्तेमाल हुआ है, बिफोर कॉमन एरा। अंग्रेजी में कहीं कहीं बी पी भी इस्तेमाल हुआ है, बिफोर प्रेजेंट। ये एडिशनल था, ऐसे बता दिया। प्रातात्विक स्रोत पे हम चल रहे थे, दूसरे आते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के बारे में देख लें, साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले आती है पांडुलिपि। हाथ से लिखी होने के कारण अतीत की पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है, हाथ से जो लिखी गई थी वो उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। ताड़पत्र और भोजपत्र, ताम्रपत्र भी आते हैं इसमें अंदर। साहित्य को साहित्यिक स्रोत है जो उसे दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद धर्मेतर साहित्य के बारे में देखेंगे। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में प्रमुख हैं ब्राह्मण, बौद्ध, ब्राह्मण हिंदू धर्म साहित्य को दर्शाता है, बौद्ध साहित्य है, फिर जैन साहित्य है। पहले हम ब्राह्मण साहित्य को पढ़ते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, उपनिषद, सूत्र साहित्य, स्मृतियां, पुराण, रामायण तथा महाभारत। ये प्राचीन ब्राह्मण साहित्य है, वो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन। अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं वेद। सबसे पहले वेद है इसमें ब्राह्मण साहित्य में, तो वेद, वेद प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेदों की संख्या चार है, ये चार लिखा है, ठीक है, ये कोष्ठक बना रखो। वेदों की संख्या चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हें इन्हीं चारों वेदों को सम्मिलित रूप से कहा जाएगा तो उसे संहिता कहते हैं, चारों वेदों को एक साथ मिला के संहिता कहा जाता है, ठीक है। अब ऋग्वेद था वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का था, जिसमें देवताओं की स्थितियां होती थी। यजुर्वेद था, उसमें यज्ञों के नियम बताए गए थे। सामवेद था, उसमें मंत्रों का संग्रह था। अथर्ववेद में था धर्म, औषधि, प्रयोग, जादू टोना, तंत्र मंत्र, सब अथर्ववेद में आता है। ये 1000 से 500 ईस्वी पूर्व के ये तीन वेद अलग, और ये सबसे प्राचीन वाला ऋग्वेद 1500 ईस्वी पूर्व वाला प्राचीन ऋग्वेद है, और अंतिम अथर्ववेद है, अंतिम सबसे बाद वाला अथर्ववेद। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखा गया है, कर्मकांडों का उल्लेख हुआ है इसमें, ऋषियों द्वारा सरल गद्यात्मक व्याख्या की गई है। जो वेद थे, वेद को ही ऋषियों द्वारा सरल और गद्यात्मक व्याख्या करके ब्राह्मण ग्रंथ की उत्पत्ति हुई है, और ये वेदों के बाद आता है। ऐत्रेय और शतपथ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें। फिर आता है आरण्यक। आरण्यक ऐसे ग्रंथ थे जो जंगल में लिखे गए थे, विषय वस्तु इनकी आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन थी। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद रचना हुई इनकी, इन्हें वेदों से जोड़कर देखा गया है, वेदों से इन्हें जोड़ा गया है। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, खास बात यह है कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अब आता है वेदांग। वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई, जो वेद थे उनका अर्थ समझने के लिए ही वेदांगों की रचना हुई। वेदांगों की संख्या छह है, इन्हें इस प्रकार है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, ये वेदांगों में। उपनिषद वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग में इनका उल्लेख होता है, वैदिक जो ग्रंथ है उनके अंतिम भाग में इसका उल्लेख होता है। अध्यात्म तथा दर्शन के गूढ़ रहस्यों का विवेचन इसमें मिलता है। वेदों के अंतिम भाग में होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांग अलग है, वेदांत अलग है, वेदांत। उपनिषद की संख्या आठ है, इसमें बृहदारण्यक,
कठ छंदोग्य प्रमुख है। फिर उसके बाद आता है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य में मनुष्य के कर्तव्य बताए गए हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था बताई गई है, सामाजिक नियमों का उल्लेख हुआ है। सूत्रों की संख्या 3 है, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। ये रहे सूत्र। इसके बाद आती हैं स्मृतियां। अभी ये हिंदू जो साहित्य है, धार्मिक साहित्य, उसके बारे में चर्चा चल रही है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसमें स्मृतियां में रचना सूत्रों के बाद हुई है। जो सूत्र थे इधर, जो सूत्र ये, हाँ, सूत्र साहित्य तक हम पढ़ चुके थे, इसके बाद ही इसकी रचना हुई है स्मृतियों की। इसे इन्हें ही स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। जीवन काल के क्रियाकलापों की जानकारी भी मिलती है इससे, स्मृतियों में। प्रमुख है मनुस्मृति, यज्ञवल्क स्मृति सबसे प्राचीन भी है और प्रमुख भी है। जो मनुस्मृति के भाष्यकार हैं वो हैं मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लू भट्ट, और यज्ञवल्क स्मृति के जो भाष्यकार हैं वो हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क। एक फैक्ट आता है इसमें, जो स्मृतियां थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टाइम था शासन काल में, बंगाल में गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स के प्रयासों से मनुस्मृति जो थी उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद द जेन टू कोड के नाम से किया गया था। ये एक्स्ट्रा था। अब आता है महाकाव्य। ये भी हिंदू धर्म, हिंदू उसमें साहित्य में आते हैं, ब्राह्मण साहित्य में। काल है इसका पहली दूसरी शताब्दी, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। मूल रूप में इसमें 6000 श्लोक थे, बाद में 12000 हो गए, फिर 24000 हो गए थे अंततः। इससे इसका रामायण का दूसरा नाम भी है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण को 7 कांडों में बांटा गया है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। दूसरा महाकाव्य आता है महाभारत। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का है, महर्षि व्यास ने इसकी रचना की है। प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है इसका, प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र। जय संहिता इसका दूसरा नाम भी है, जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। 24000 जब इसमें श्लोक हो गए थे तब इसको भारत कहा गया था, भारत कहलाया, महाभारत था। 24000 श्लोक होने के बाद महाभारत भारत कहला गया था, महाभारत नहीं। गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई, तब इसे सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। 8000 मूलते थे तब जय संहिता, 24000 हो गए भारत कहलाया, 1,00,000 हो गए महाभारत कहलाया। 18 पर्व, जैसे जो रामायण था उस 7 कांडों में बटा था, ये 18 पर्वों में बटा था, पर्व जिसमें जो इस प्रकार है, आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्गरोहण। इसमें शांति पर्व जो भीष्म ने जो बात जो पितामह की बात वार्ता हुई थी, इसमें शांति पर्व के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। अब आती है बात पुराण की, ये अंतिम है शायद हिंदू धर्म के बारे में, धर्म साहित्य में। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहा गया है। 5वीं सदी ईस्वी पूर्व 4वीं सदी के ईस्वी पूर्व के आसपास है। पुराणों की संख्या कुल 18 है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भगवत पुराण ये प्रमुख है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है जिसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश मत्स्य पुराण में जानकारी मिल जाती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिल जाएगी। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिल जाएगी। मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा किससे संबंधित है और दुर्गा सप्तशती नामक अंश भी मार्कंडेय पुराण में मिल जाता है। अग्नि पुराण में तांत्रिक पद्धति का उल्लेख है और अग्नि पुराण में गणेश पूजन का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। ये 18 जो पुराण है वो इस प्रकार है, ब्रह्म, पदम, विष्णु, शिव, भगवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, बराह, स्कंद, बामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड है ये, ब्राह्मण मत समझ लेना यहाँ पे, गलती से लिख गया था ब्राह्मण, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, ठीक है। अब आता है बौद्ध साहित्य। अब हिंदू धर्म का साहित्य हम पढ़ चुके हैं। बौद्ध साहित्य को 2 पार्टों में बांटा गया है, जातक और पिटक।
बुद्ध के पूर्व जन्मों का वृतांत इसमें मिलता है जातक में, और पिटक में सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में व्याख्या की गई है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। बौद्ध के निर्वाण प्राप्त के बाद इसकी रचना हुई है। बौद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद त्रिपिटक की रचना हुई। भाषा इसकी पाली थी। त्रिपिटक क्योंकि नाम से जाहिर हो रहा है इसमें संख्या तीन थी, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अविधम्ब पिटक, ये इसमें थे। अब हम पढ़ेंगे सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में पांच निकायों में बांटा गया है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक, खुद्दक निकाय। विनय पिटक में संघ से संबंधित नियम बताए गए हैं, जो संघ है वो उसके नियम बताए गए हैं। इसे चार भागों में बांटा गया है, सुत्त विभंगु, खंडक, प्राप्ति, प्रातिभोग, परिवार पाठ। फिर आता है अविधम्ब पिटक, बुद्धि की शिक्षा का दार्शनिक विवेचन है। इसमें सात ग्रंथों में बांटा गया है। इसमें कथा वस्तु सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ी एडिशनल नॉलेज आप किसी हिस्ट्री की बुक से देख लेना। थोड़े थोड़े शॉर्ट में जो मैंने नोट्स बनाए थे उसमें से बता दे रहा हूँ। फिर आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य में प्राचीनतम जैन ग्रंथ को पूर्व कहा जाता था। पूर्व नाम है ना कि कोई पहले का, इसका मतलब पहला नहीं है। प्राचीन धर्म जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता था। महावीर द्वारा प्रचारित सिद्धांत है इसमें। पूर्व में जैन साहित्य के में आगमों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छंद सूत्र हैं। आगम ग्रंथ रचना श्वेतांबर आचार्यों ने की है। जो आगम ग्रंथ हैं उसमें ये पार्ट है, लेकिन इनकी रचना श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते थे आचार्य ने की है। जैन साहित्य के में पुराणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे चरित भी कहा जाएगा। जो जैन साहित्य है उनमें प्राणों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे चरित भी कहा जाएगा। इसके तीनों भाषाओं में है इसकी जो रचना हुई, प्राकृतक, संस्कृत और अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा में, तीनों भाषा में लिखे गए हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं, आचारंग सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आवश्यक चूड़ सूत्र प्रमुख जैन ग्रंथ है। ठीक है, ये धार्मिक साहित्य हो गया। धार्मिक साहित्य के बाद आता है धर्मित्तर, धर्मित्तर साहित्य जो दूसरा पार्ट है साहित्य। इसमें ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का, जीवनियों और जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। जैसे पाणिनि है, पाणिनि के अष्टाध्याय में व्याकरण ग्रंथ है, 5वीं सदी में हुई थी इसकी रचना। कौटिल का अर्थशास्त्र है, जिसमें मौर्य शासन के बारे में बताया गया था। विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस है। सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंगी में मौर्य काल से संबंधित बातें की गई है, विवरण मिलता है। पतंजलि के महावाश्य, कालिदास के मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र नामक नाटक में श्रृंग वंश के इतिहास का प्रकाश पड़ता है। कालिदास का जो है रघुवंशम, समुद्रगुप्त की दिग्विजय, सोमदेव की कथा कथा सरित सागर है, जिसमें विक्रमादित्य के बारे में की परंपरा का उल्लेख मिलता है। शूद्रक की मृच्छकटिकम व दंडी के दस कुमार चरित में गुप्तकालीन जो समाज था उसका सुंदर चित्रण मिलता है। बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्ष का की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो ये सभी धर्मित्र साहित्य हैं। बागपति में गौड़बाहु की, बागपति ने गौड़बाहु है, उसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन का उल्लेख मिलता है। बिलहड़ के विक्रमांक देवचरित में कल्याणी के चालुक्य नरेश, विक्रमादित्य छठे षष्ठ का उल्लेख मिलता है। संध्याकर नंदी में रामचरित, संध्याकर नंदी की जो रामचरित है उसमें पाल शासक रामपाल की जानकारी मिलती है। ये रामचरित अलग है, संध्याकर नंदी की रामचरित है। हेमचंद के द्वयाश्रय काव्य गुजरात के शासक कुमार पाल की जानकारी मिलती है। पद्मगुप्त के नव सहसा चरित में परमार वंश की जानकारी मिलती है। जमानक के पृथ्वी जयानक के पृथ्वीराज विजय में, पृथ्वीराज से संबंधित, पृथ्वीराज चौहान था ना उसके बारे में जानकारी मिलती है। कलहड़ की पुस्तक है उसमें राज तरंगड़ी, उसमें भी ये सभी धर्मित्र साहित्य हैं। तो एक थीम सेट हो जाए दिमाग में, धर्मित्र साहित्य कौन से थे, धार्मिक साहित्य कौन से थे। दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य से ज्ञात होता है। दक्षिण भारत का संगम साहित्य जैसे तमिल और संस्कृत यहाँ लिखा नहीं है, संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया ये संगम साहित्य।
जो गए धर्म जो साहित्यिक विवरण। अब आ जाते हैं विदेशी विवरण। विदेशियों के वृतांत की साहित्यिक, विदेशियों के वृतांत है वो भी साहित्यिक साक्ष्य हैं जो इतिहास के लिए बहुत जानकारी रखते हैं। तो तीन वर्गों में इनका विभाजन किया जाता है। जो विदेशी विवरण है उनसे पता कैसे चलता है, यूनान व रोम के लेखक, चीन के लेखक और अरब के लेखक। यूनान व रोमन रोम के लेखक हैं, सबसे प्राचीन में आते हैं हेरोडोटस, टीसीएस दो राइटर हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, एक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। पांचवीं शताब्दी में हिस्टोरिका की उन्होंने रचना की थी। फारस व भारत के संबंधों का वर्णन मिलता है इसमें हिस्टोरिका में। टीसीएस जो है ईरानी राज्य वैद्य था, टीसीएस के बारे में मुझे जानकारी मिली नहीं, देख लेना आप। सिकंदर के साथ भारत आए लेखकों में थे निर्याकस, अनासिक्रेटस, अरिस्टोबुलस के विवरण प्रमुख हैं। अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द बार लिखी है इसमें, और अनामिक्रेटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी है। मेगस्थनी और सिकंदर की जो बाद भी राइटर आए हैं, सिकंदर के टाइम के बाद जो राइटर आए हैं, मेगस्थनी, डायमेकस और डायनोसिस। मेगस्थनी ने इंडिका लिखी है, उसमें मौर्य प्रशासन की बात की है। डायमेकस डायनोसिस के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं। पेरी एक अननोन राइटर हैं जिसकी बुक है पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसमें भारतीय बंदरगाहों और वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण मिलता है। प्लिनी की है जो नेचुरल हिस्टोरी का, जो लैटिन भाषा में लिखी गई है, लैटिन भाषा में लिखी गई है। टोलेमी की ज्योग्राफी है, उसमें ज्योग्राफी से संबंधित है। प्लूटार्क की स्ट्रॉबी है। तो ये सभी जो ग्रंथ थे यूनान और रोमन के लेखक थे, पहली बात इनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। चीन के जो लेखक हैं, अब आते हैं चीनी यात्रियों का वृतांत, चीन के लेखक, उसके बाद पढ़ेंगे हम अरब यात्रियों का वृतांत। चीन में आते हैं फायन, वाइनसांग और इत्सिंग। फायन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आए थे और उनकी रचना थी फो क्यो की अथवा ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की स्थिति का उन्होंने पता बताया लगाया था और इसको डिस्क्राइब किया था अपनी बुक में फोक्यो की में। हर्षवर्धन होयनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, इसकी रचना थी सी यू की या फिर इसे कह सकते हैं एस से ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड। इसिंग की पुस्तक थी ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड द मले द्वीप समूह। रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड द मले आर्किपेलागो। चाओ चू कुआ एक राइटर हैं जिन्होंने चोलकालीन इतिहास पे प्रकाश डाला है। तिब्बत के लेखक हैं लामा तारानाथ, जिन्होंने कंग्यूर तंग्यूर दो रचनाएं लिखी हैं जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विवरण मिलते हैं। अरब यात्रियों का वृतांत। अरब यात्री में आते हैं सुलेमान, पाल, प्रतिहार। जो सुलेमान अरब यात्रियों के वृतांत में आते हैं सुलेमान, जिन्होंने पाल और प्रतिहार राजा के बारे में जानकारी दी है। अलमसूदी एक और राइटर हैं जिन्होंने राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में बात की है। अलबरूनी ने तहकीक हिंद लिखी है जो अरबी भाषा में है, उन्होंने गुप्त उत्तरकालीन समझ की। ये थे राइटर। तो ये हुआ टॉपिक खत्म।